और चलिए अब बात करते हैं आम लोगों की परेशानी की। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि रेजिडेंट्स के साथ वार्ता विफल रही है। बीच का रास्ता निकालने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात कही गई है। अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर SM शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। कुछ ही देर में कमेटी के साथ इन डॉक्टर्स की बातचीत होगी फिर से। फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल में जनरल बॉडी की मीटिंग कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में मरीज और उनके तीमारदार बेहद परेशान हैं, क्योंकि ज्यादातर जिम्मेदारी जो होती है वो इन रेजिडेंट डॉक्टर्स के भरोसे होती है। स्वास्थ्य व्यवस्था इनके भरोसे रहती है। ऐसे में इनकी हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरीके से, ये कहा जा सकता है। लेकिन बातचीत की कोशिश की गई वो विफल रही है। हालांकि बीच का रास्ता निकालने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात हुई है। अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर SM शर्मा इसकी अध्यक्षता करेंगे और कुछ ही देर में ये कमेटी एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेगी। जिसके पहले भी हमने देखा कि जब जब रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल हुई है, तब तब मरीजों को, उनके तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और आज किस तरह से परेशानी हो रही है और ये जो बातचीत की कोशिश थी वो बेनतीजा क्यों रही है, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गया। विकास, बातचीत की कोशिश हुई लेकिन वो बेनतीजा रही, वजह क्या? देखिए सुषमा, आज दूसरे दौर की बातचीत जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन काफी दुखद खबर है ये कि वो जो वार्ता शुरू हुई वो किसी भी नतीजे में नहीं पहुंच पाई। दोनों पक्षों में बिल्कुल तनातनी की स्थिति मीटिंग के अंदर हो गई थी। बात सिर्फ इसी बात को लेकर थी कि जो रेजिडेंट की मांग है उसको पूरा किया जाए, उसी बात को लेकर बैठक के अंदर काफी माहौल भी गरमाया। उसके बाद में रेजिडेंट जो है करीब आधे घंटे की बैठक के बाद ही बाहर आ गए और रेजिडेंट जो है हॉस्टल पहुंच गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हड़ताल अभी जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों पर विचार लिया जाए। इस बीच अस्पताल मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले में जीत का रास्ता निकालने के लिए एक और नई कवायद की है, जिसके अंदर 5 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि रेजिडेंट और काउंटी अस्पताल प्रशासन दोनों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। उसी के तहत जो ये कमेटी का गठन किया गया है, जो कुछ ही देर बाद में कमेटी के सदस्य जो है वो रेजिडेंट के साथ वार्ता करेंगे, उसके अंदर जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों को भी उसमें कमेटी में शामिल किया गया है, ताकि तमाम जो लोग है वो एक ही सीट पर बैठ करके और कहीं कहीं बातचीत से इस पूरे मामले का हल निकाला जा सके। क्योंकि अगर ये मामला आज अगर नहीं सुलझता है तो उस स्थिति में कल से पूरे प्रदेश भर के अंदर ये जो रेजिडेंट जो है वो आंदोलन खड़ा कर। लेकिन विकास, बड़ी बात ये कि ये रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से, इनकी जिद की वजह से आम लोगों को जितनी परेशानी हो रही है उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? देखिए अगर बात करें मरीजों की तो प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल समेत तमाम जितने भी अटैच अस्पताल है वहाँ मरीजों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त खड़ी हो गई है। ना OPD से लेकर IPD तक कहीं पर भी डॉक्टर्स जो है वो उपलब्ध नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं और उनको हालत ये हो गई है कि SMS अस्पताल के अंदर तो जो गंभीर मरीज है सिर्फ उन्हीं को एडमिट किया जा रहा है, उनके अलावा अन्य मरीजों को दवा देकर घर भेजा जा रहा है। क्योंकि कारण यही है कि अगर वो उनको एडमिट करते हैं तो उस स्थिति में उनकी देखभाल कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में इन सभी बिंदुओं को देखने के बजाय जो रेजिडेंट है वो अपनी राजनीति के चलते इस तरह जिस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि प्रशासन भी उनसे बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने में नाकाम साबित हो रहा है। इसका नतीजा है कि मरीज है उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। चलिए आगे आपसे और अपडेट लेते रहेंगे कि अब जब 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और एक बार फिर से बातचीत की कोशिश होगी तो क्या वहां पर निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए विकास।